भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि भाई द्वारका वाले सोनू चूरचू नान आ चुके हैं अब हमारे फरीदाबाद के अंदर। और एक बारी भीड़ देखिए, पूरे कार्ट को लोगों ने कवर कर रखा है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम दूसरी बार आए क्योंकि भाई भीड़ ही इतनी है यहाँ पे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको और दिखाते हैं यहाँ के चूरचूर नान। तो यहाँ पे ये है भैया, क्या नाम है भैया आपका? संदीप। तो ये द्वारका वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फरीदाबाद में लेके आ चुके हैं आप? पहले वहीं लगाते थे? तो वही स्टाइल मिलेगा हमें, वही स्वाद एकदम वही होना चाहिए ना? तो एक बारी आप सब्जी दिखाएंगे? सब्जी देखिए, ये हमारी दाल मखनी है। आ भाई क्या बात है, दाल मखनी देखिए एकदम। ओहो भाई, अगर आप पंजाबी हैं और भाई दाल मखनी बिल्कुल एकदम वैसी वाली है जो पंजाबी स्टाइल में बनती है ना, तो भाई मस्त है। यहाँ पे इनकी दाल मखनी जरूर ट्राई करना, हम पहले भी ट्राई कर चुके हैं। और नेक्स्ट सब्जी है भाई, ये है शाही पनीर। शाही पनीर भी बड़ा गजब सा लग रहा है। क्या क्या डलता है भैया शाही पनीर में? शाही पनीर में काजू डलता है, मगज डलते हैं, बाकी टमाटर होता है। अच्छा, मगज काजू भी डलते हैं इसके अंदर? तो भाई रिचनेस भी बहुत ज्यादा है शाही पनीर के अंदर। और इसके साथ क्या होता है? नान होते हैं चूर चूर के, चूर चूर नान। और ये क्या है? ये रायता है, मिक्स है इसमें घिया गाजर सारा कुछ। एकदम खर जैसा रायता होता है ना, एकदम थिक थिक रायता, बिल्कुल वैसा रायता है भाई। तो भैया पहले क्या, यहाँ आना कैसे हुआ आपका फरीदाबाद के अंदर? किसी भाई के थ्रू पे आए हैं। अच्छा, वहीं आए हैं? हाँ। और रिस्पॉन्स सही आ रहा है आपका? हाँ, सही आ रहा है। तो भाई मैं खा के गया था, और चूरचूर नान एकदम बिल्कुल द्वारका स्टाइल वाले हैं। एक प्लेट लगवाते हैं इनसे और आपको दिखाते हैं। तो भाई अभी हम लगवा रहे हैं यहाँ पे हमारे स्पेशल चूरचूर नान, बिल्कुल द्वारका स्टाइल वाले। सही कह रहा हूँ भैया? तो पहले आप द्वारका में बनाते थे? हाँ भैया। ये कहाँ पे सीखा आपने? ये राजू नान वाले के पास। अच्छा, वहीं सीखा? वहाँ से शुरू से काम करते हुए आया। और कब से बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ 10-12 साल की। 10-12 साल से? जब तो बहुत छोटे होते होंगे आप। हाँ। भाई मतलब 25 साल का हो गया हूँ भैया। अच्छा, उससे मैं तो आप 13-14 साल। हाँ। ओ भाई साहब, तो भाई जब से इनके हाथ में वही कला है एकदम चूरचूर नान वाली, तो ये पहले पिट्ठी भर देते हैं। ये किस चीज की पिट्ठी है ये भैया? इसमें आलू गोभी प्याज पनीर सारा मिक्स है। अच्छा, मिक्स रहेगा सारी स्टफिंग? क्या बात है। और ये लगा दिया ऑयल, और इसके बना देंगे भैया लच्छे। और यहाँ पे लच्छे बना के रखते जाते हो? और ये ऊपर से क्या कर रहे हो गार्निशिंग? ये धनिया पौधे, धनिया और चुकंदर। तो ये देखो कितना ज्यादा हाई क्वांटिटी में बनता है यहाँ पे। कम से कम कितने नान लगाते हो दिन में भैया? इसका कोई अंदाजा नहीं, कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर, कम से कम अंदाजा लगाया जाए तो ये गिनती नहीं हो पाएगी। गिनती नहीं हो पाएगी। तो भाई अभी बन रहे हैं यहाँ पे नान, तो लगा दो तंदूर में, लगा दो। और भाई ये लग गए तंदूर में, और ये निकलने वाला है भाई जी हमारा चूरचूर नान। तो बड़ा टाइम लगता है इसको निकलने में। ये देखो लग रही है हमारी प्लेट, ये डल गई भाई दाल मखनी, और ये जो इनका काजू वाला शाही पनीर मगज भी डल रखा है इसके अंदर, और ये रायता भी है, सब्जी डल रखी है ना इसके अंदर? हाँ जी। ये देखो भाई सब्जी दिख रही होंगी आपको, और इसके ऊपर भी पनीर डालेगा? हाँ जी। और फिर से पनीर डालेगा? ये देखो भाई, और क्रीम भी डल गई इसके ऊपर। और ये क्या डाल रहे हो? करी। चूर चूर नान। और मक्खन देखो भाई, मक्खन से निला दिया भैया आपने तो उसको। हाँ जी। और ये क्या डल रहा है? ये पनीर है। अच्छा, पनीर भी डलता है इसके ऊपर? हाँ जी भाई, एकदम द्वारका वाले स्टाइल जैसे बन रहे हैं। ये किशमिश है। किशमिश। और अभी काजू भी डालेंगे? हाँ जी। काजू कितनी क्वांटिटी डाल देते हैं? ये देख लो। और ये फिर से मक्खन डलेगा? हाँ जी, हाँ जी। भाई ये देखो कितना कितना ग्राम डल जाता है कम से कम? ये क्वार्टर से लग जाता है। कितना? क्वार्टर से ज्यादा? हाँ। भाई साहब, और जब ही 100 रुपए की प्लेट है। हाँ जी, हाँ जी। भाई यहाँ पे आओगे ना पूरे पैसे वसूल है। और ये कर दिया बंद। ओहो हो भाई, कई लोग तो इसी आवाज के दीवाने हैं। ये देखो भाई प्लेट एकदम रेडी है। बोलिए मस्त लग रहा है। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हमारी सोनू चूरचूर नान की थाली एकदम द्वारका स्टाइल वाली।
तो स्टार्ट आपको दिखाते हैं यहाँ पे इनके स्पेशल शाही पनीर से। और भाई शाही पनीर के आगे शाही क्यों लगता है, क्योंकि ये देखो ये होता है इतनी ज़्यादा रिचनेस। इसके ऊपर भी पनीर डाल रखा है, इसके अंदर भी पनीर है, और ग्रेवी भी इनकी काजू वाली है। क्या बात है, और आपको क्रीम तो ऊपर से दिख रही होगी। और यहाँ पे है, ओए होए भाई दाल मखनी, फ़ैन हो जाओगे भाई इनकी। अगर आपने दाल मखनी खा ली ना, कसम से फ़ैन हो जाओगे, और एकदम घर जैसा ठीक 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 रायता होता है ना, एकदम सब्जियों वाला। सब्जी दिख रही है आपको इसके अंदर, देखो टमाटर है, प्याज है, धनिया भी डाल रखी है इन्होंने, तो रायता भी बहुत अच्छा होता है। और स्पेशल भाई साहब लग रहा है ना गजब, इतना सारा अमूल मक्खन, पनीर, काजू, किशमिश, एकदम द्वारका वाले स्टाइल में मिलेगा आपको यहाँ पे। तो भाई ट्राई करते हैं अब इसको। सबसे पहले ये देखो, घी लगने के बाद जो इसके लच्छे खुलते हैं ना भाई, ये देखो जैसे ही घी लगाते हैं एकदम से एक एक लच्छा अलग हो जाता है। तो इसके एक बढ़िया सी बाइट बना लेते हैं। ओहो भाई इतना सारा मक्खन पनीर डाल रखा है ऊपर भी, और शाही पनीर के साथ ट्राई करते हैं। और चटनी वाले प्याज रख देते हैं। द्वारका वाले जो है ना उससे भी बढ़िया टेस्ट आ रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट है क्योंकि पनीर काजू इतनी हाई क्वांटिटी में डाल रखे उनसे भी ज्यादा। तो भाई आना तो एक बार यहाँ पे बनता है, और एकदम लग रहे हैं भाई द्वारका वाले स्टाइल में ही लग रहे हैं। तो 100 रुपये भाई पैसे वसूल हैं अगर दो बंदे इस पूरी थाली को खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होती है। और भाई खाने के बाद एक बढ़िया चीज और मिलती है यहाँ पे, खजाना खोल दो भाई, गुड़। भाई आपका गला भी साफ हो जाएगा, क्योंकि क्रीम खाने से गले में थोड़ा ना वो हो जाता है, तो गुड़ खा लो और तबीयत आपकी बढ़िया हो जाएगी। अगर भाई इसी की तरह वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। और अगर आपको इसी तरह फरीदाबाद की और भी वीडियो चाहिए तो भाई को बता देना कमेंट सेक्शन में, और भी लाते रहेंगे फरीदाबाद की बढ़िया बढ़िया वीडियो, बढ़िया बढ़िया खाना। तो फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा शबक है।